नमस्ते दोस्तों, मोटरबीम हिंदी में आपका स्वागत है और आज मेरे सामने है नई सिट्रो की C3। ये एक मास मार्केट हैचबैक है और आप जानते होंगे कि सिट्रो ने पहले एक C5 लॉन्च की थी जो एक SUV है। अब ये इनका पहला मास मार्केट प्रोडक्ट है, तो आइए मैं इसका एक वॉक अराउंड आपको दिखाने वाला हूँ। ये एम्बार्गोड है तो मतलब मैं अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, बट जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप सामने से देखिए इस गाड़ी को, तो ये जो डबल शेवरॉन लोगो है ये सीधा यहाँ पे DRLs में जाता है। इसकी हेडलाइट और फॉग लैंप हैलोजन्स दी हुई है। आगे आप देखिए तो ऑरेंज कलर की कस्टमाइजेशन दी है फॉग लैंप्स के अराउंड, रूफ पे भी, मिरर्स पे भी। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और सिट्रोन बोलता है इसमें 56 ऑप्शंस हैं आपके पास कस्टमाइजेशन के। अब अगर साइड प्रोफाइल पे देखें तो डेफिनेटली ये गाड़ी एक हैचबैक ही है, बट काफी कुछ किया गया है इसको SUV की तरह बनाने के लिए। तो आप देखिए इसमें ये साइड में क्लैडिंग दी है ब्लैक कलर की, जो बोनेट है थोड़ा ऊंचा किया हुआ है एक SUV फील आने के लिए। रूफ रेल्स दी हुई है। शार्क फिन एंटीना नहीं है इसमें, एक सादा वाला एंटीना आता है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। डोर हैंडल्स भी सादे वाले हैं। इस गाड़ी में अलॉयज हैं क्योंकि अनव्हील कार है, बट दोनों मॉडल्स पे जो अवेलेबल है मार्केट में उनमें अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं, सिर्फ स्टील व्हील्स आते हैं जिसके ऊपर एक कवर है। अभी पीछे की प्रोफाइल देखिए तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि इसमें रियर वाइपर और डिफॉगर नहीं दिया है, रैप अराउंड टेल लैंप्स दिए हैं, रियर कैमरा भी नहीं है इसमें, सेंसर्स हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक दो पार्किंग सेंसर यहाँ दिए हैं। अभी जरा बूट की तरफ देख लें, 315 लीटर स्पेस है जो लगभग ऐसा दिखता है यहाँ पे। अब अंदर से जरा देखें क्या है इसमें। सो ये हैं इंटीरियर्स इस गाड़ी के। आइए जरा बैठ के देखते हैं, मेरे पास चाबी है इसकी। तो ये एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिया है यहाँ पे, ये 10 इंच की टच स्क्रीन है, मैनुअल AC कंट्रोल्स दिए हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे भी डैशबोर्ड पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिए हैं, देखिए यहाँ पे ऑरेंज है, मेटल फिनिश यहाँ पे दी हुई है। देखा जाए तो पॉकेट्स हैं यहाँ पे, फोन रखने की जगह है यहाँ पे, छोटे मोटे बॉटल्स कप्स रख सकते हैं आप। पावर विंडो पीछे के यहाँ पे दिए बटन, यहाँ पे एक रिसेस है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। सीट भी स्कूप्ड आउट है साइड से ताकि सिट्रोन के हिसाब से थोड़ी बेहतर सपोर्ट मिल सके। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिए हैं यहाँ पे और पीछे की सीट में भी इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट हैं। स्टीयरिंग व्हील C5 जैसा ही है, थोड़ा सा छोटा रखा है यहाँ पे इन्होंने। स्टीयरिंग व्हील पे आपको बटन मिलते हैं ब्लूटूथ टेलीफोनी के, वॉल्यूम के। अभी जरा पीछे बैठ के देखते हैं। सो ये है पीछे की सीट, इस व्यूज में आपको दिखाऊं तो ये है इसका डैशबोर्ड। USB चार्जिंग पोर्ट आगे एक दिया है, माफ कीजिएगा लाइट के लिए, बट यहाँ पे दो पोर्ट्स इधर दिए हुए हैं। पीछे भी बॉटल होल्डर्स हैं डोर में। आइए अब बात करते हैं इंजन्स की, तो पहले मैं इंजन भी खोल देता हूँ आपके लिए। तो इसमें टोटल दो इंजन ऑप्शन अवेलेबल हैं, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर के पेट्रोल इंजन, एक नेचुरली एस्पिरेटेड है, एक है टर्बोचार्ज। जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो 82 PS पावर प्रोड्यूस करता है, 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और जो टर्बोचार्ज है वो 110 PS ऑफ पावर प्रोड्यूस करता है और 190 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब ये 190 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो काफी हाई है इस सेगमेंट के हिसाब से। तो सेगमेंट की अगर बात करें तो ये गाड़ी लगभग स्विफ्ट और पंच के बीच में होगी, तो इस तरह से ये इसको पोजीशन करेंगे। अभी ये दोनों जो गियरबॉक्स हैं, दोनों इंजन है जो नेचुरली एस्पिरेटेड है वो एक 5-speed मैनुअल के साथ आता है, जो एक टर्बोचार्ज वाला है वो एक 6-speed मैनुअल के साथ आता है। दोनों की फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 19 किलोमीटर पर लीटर है। सो ये गाड़ी पहली तारीख से इसकी बुकिंग स्टार्ट होने वाली है, 20 तारीख को इसका लॉन्च है और ये एक फर्स्ट ट्रू ब्लू मास मार्केट प्रोडक्ट है सिट्रोन की तरफ से। ना सिट्रोन एक नई कंपनी है तो इसमें आप जैसे मैंने देखा कि काफ़ी फीचर्स उन्होंने कम की है, तो सिट्रोन की तरफ से शायद ये बहुत अग्रेसिवली प्राइस करने की कोशिश है। बहुत जल्द हम इसका एक आपको टेस्ट ड्राइव रिव्यू देंगे, 15 तारीख को इसका रिव्यू आएगा, देखते रहिए मोटोबीम को। बताइए हमें कमेंट्स में कैसी लगी आपको गाड़ी, क्या लगा आपको इसके बारे में
और क्या चाहते हैं आप कि क्या प्राइस होनी चाहिए गाड़ी।